और दुनिया भर में लगातार फैलते जा रहे डेल्टा वेरिएंट के मामले को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर की है। डब्ल्यूएचओ ने के मुताबिक अगले हफ्ते कोविड 19 के मामलों में 20 करोड़ के पार हो जाएंगे, यही चिंता डब्ल्यूएचओ की। पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के 135 देश इसकी चपेट में है। डेल्टा वेरिएंट के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जाहिर की है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट अब 135 देशों में सामने आ चुका है। अगले हफ्ते तक कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में 20 करोड़ के पार हो जाएंगे। पिछले हफ्ते यानी 26 जुलाई से 1 अगस्त तक 40 लाख मामले सामने आए हैं। 132 देशों में बीटा वेरिएंट और 81 देशों में गामा वेरिएंट सामने आया, जबकि 182 देशों में अल्फा वेरिएंट मिल चुका है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।